हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेड डेविल ब्लॉग्स। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, तो आज फिर से हम लोग डेली ब्लॉगिंग पे निकल चुके हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बजाज शोरूम के तरफ, और मेरा फ़ोन का थोड़ा दिक्कत हुआ था, चार्जिंग जो सॉकेट है मेरा फ़ोन का उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, बार बार दिखा रहा है लिक्विड ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड। तो कुछ लिक्विड क्या है कि नहीं है पता भी नहीं, थोड़ा दिक्कत भी हो रहा है चार्ज करने में। तो चलते हैं अब आगे। तो पहले चलेंगे बजाज के सर्विस सेंटर पे, फिर वहाँ से जाएंगे रियलमी का, अगर सर्विस सेंटर खुला रहेगा तो वहाँ पे भी जाएंगे। तो पहले चलते हैं बजाज के सर्विस सेंटर पे। तो बजाज का सर्विस सेंटर जो दुर्गापुर में ऐसे है, नॉर्मली यहाँ पे तो जो सामने वाला है, इस वाले में तो मैंने पता किया था, तो इस वाले में मेरे बाइक का काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये छोटा मोटा जो बजाज का जो 100 cc का जो बाइक सब आता है उसी में से, मतलब उसी का वो लोग काम करते हैं, मेन डीलरशिप उसी का है। मतलब स्मॉल बाइक्स 100 to 150 cc का जितना बाइक्स है वो सभी वो लोग डील करते हैं। तो जैसे ये देख सकते हैं, ये रहा बजाज का जो शोरूम जिसका बाद में कर रहा था, यहाँ देख सकते छोटा सा शोरूम है, तो यहाँ पे 200 cc का सर्विस नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोग को बैना चिटी जाना पड़ेगा। तो दुर्गापुर का एक साइड, मतलब एक किनारे पे है बैना चिटी, मतलब यहाँ से पकड़ लीजिए 25-27 किलोमीटर होगा। तो हाईवे होके ही जाएंगे, पहले यहाँ से मुंशीपाड़ा चलते हैं, फिर मुंशीपाड़ा से हाईवे पकड़ के सीधा एकदम बैना चिटी की तरफ, भिरंगी मोड़ जो है उसके बाद ही है। मुंशीपाड़ा आ चुके हैं। तो अभी ये जो हाईवे आप देख रहे हैं मेरे यहाँ राइट साइड पे, जो ऊपर से जो हाईवे गया हुआ है, इसी कनेक्टिंग हाईवे को हम लोग को पकड़ना पड़ेगा। यहाँ से अभी सीधा जाना है, तो यहाँ पे पुलिस चेकिंग भी हमेशा बहुत रहता है। ठीक है, देख सकते हैं। तो ये आप देखिए, SBTC वालों को तो कुछ बोलने का ही नहीं है, गवर्नमेंट मतलब स्टेट बस जो सब चलता है, पब्लिक नहीं, गवर्नमेंट स्टेट बस जो चलता है, तो बाप रे उन लोग को तो बोलने के बाहर है कुछ। तो आप बच्चों का पब्लिक रिएक्शन देख सकते हैं, वो लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं कैमरा देख के। फिर मेन हाईवे जो ऊपर से फ्लाईओवर से रास्ता गया हुआ था, तो इस हाईवे में सीधा कनेक्ट हो जाएंगे और डायरेक्ट बैना चिटी चले जाएंगे इस हाईवे को पकड़ के। ये है आपका कोलकाता दिल्ली का जो GT रोड है, जो जैसे कि देख सकते हैं ये जावा 42, मतलब दुर्गापुर नंबर जो है, दुर्गापुर तो 42 यहीं कहीं आस पास का ही होगा। देख सकते ये भी बेगा का हेलमेट पहन के चल रहे हैं, तो भाई अच्छा खासा स्पीड में ये भी चल रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरा स्पीडोमीटर का आप रीडिंग देखिए 114 करीब चल रहा है, 114 करीब 115 मैं ही चल रहा हूँ, तो मेरे से ज़्यादा ये 120+ चल रहा है।
30+ जा रहा है वो, जैसे कि आप देख सकते हैं। भाई इधर से लेफ़्ट ले लिया, मतलब सिटी सेंटर की तरफ चला गया, और हम लोग अभी सीधा ये इसी रोड पे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हम लोग को बेनाचुरी जाना है। तो ये आप देख सकते हैं किधर क्या जंक्शन मॉल, वो रहा सामने, आप मेरे राइट साइड में देख सकते हैं जंक्शन मॉल। ये देखिए आप जंक्शन मॉल, तो जैसे कि आप देख सकते हैं भिरिंगी मोड़ पहुंच चुके हैं। यस सर, क्या कर दिए फोन में, क्या क्या किया? मैं कहाँ करता, बस था ना ऑफिसर आ बोलना ऑफिसर आ जाओ सर, सर जाओ। सर अच्छा नंबर देखा सबसे पहले 64। हेलमेट खड़ा सब जा रहे हैं, नहीं रोक रहे किंतु। हम्म,
तो जैसे कि आप लोगों ने देखा तो पुलिस ने पकड़ा, डॉक्यूमेंटेशन देखा, तो आपके भाई को क्या मिला बोलिए? तो आपके भाई को कंटेंट मिल गया। ओ भाई थंबनेल देखना, भाई थंबनेल मज़ा आ गया। कोई बात नहीं, सब डॉक्यूमेंटेशन देखा, इंश्योरेंस का सिर्फ पेपर्स देखा और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया उसको ऑनलाइन ही फ़ोन पे, और उसका नंबर उसने डाल के देखा, सब ठीक था, तो इसलिए रोका नहीं। तो वजह से सर्विस सेंटर में आ चुके हैं, तो पहले बात करते हैं, आज आप लोग सुनते हैं क्या। रिजॉल्व हो गया, तो अभी रूम की तरफ जा रहे हैं। तो माइक का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, माइक लगाना मैं भूल गया था, इसलिए वॉइस ओवर करके आवाज़ डाल रहा हूँ। तो अभी यहाँ से सीधा ये हाईवे कनेक्ट करेंगे, हाईवे कनेक्ट करके सीधे जाएंगे मुचीपाड़ा की तरफ, फिर वहाँ से डायरेक्ट रूम पे जाएंगे। तो चलिए अब आप म्यूज़िक के साथ वीडियो को एंजॉय करिए और डायरेक्ट हाईवे पे आप कनेक्ट करते हैं। फिलहाल तो पूरे रास्ते में आप लोग से बात करते करते आया, इतना कुछ दिखाया, सब बात किया, और अभी मुचीपाड़ा पहुंच के मुचीपाड़ा में थोड़ा रुके थे चाय वाय पीने के लिए। तो तब मैंने मतलब ख्याल किया, मतलब फिर से देखा तो पता चला कि माइक तो लगाया ही नहीं था यार, यही तो दिक्कत हो गया। तो माइक जब नहीं लगाया था तो आप क्या ही बोल सकते हैं, ऑडियो तो आया ही नहीं होगा कुछ। तो उसमें आपने आगे वाला जो वीडियो देखा होगा वो म्यूज़िक के साथ ही देखा होगा, या फिर वॉइस ओवर आया होगा उसमें, या तो फिर मैं वॉइस ओवर डाल दूँगा। अगर इन्फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा ही मैंने अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा तो मैं इसमें वॉइस ओवर डाल दूँगा, और ऐसे तो म्यूज़िक के साथ, नहीं तो आप रास्ता इन्जॉय करिएगा। और अभी यहाँ से मुचीपाड़ा तो हो चुका है, सब काम वाम तो सब कुछ हो गया जैसे कि मैंने आप लोग को बताया ही था। तो अभी जा रहे हैं रूम के तरफ, और तो वैसे कुछ नहीं, शाम हो गया, खाना वाना भी नहीं खाया, नहाना पड़ेगा। अभी देख सकते हैं 6 बज गया शाम का, तो सारा दिन का काम था। केयर गए पहले, केयर के वहाँ पे केयर में काम किया, और
क्या बोलते हैं सर्विस सेंटर का भी मैंने आप लोगों को दिखाया, सर्विस सेंटर में भी काम होगा। तो होने के बाद तो अभी रूम ही जाना है सीधा, और दूसरे कहीं तो जाने से बात नहीं मतलब ही नहीं बनता है अभी, क्योंकि खाना पीना कुछ नहीं खाया, तो पहले वहीं चलते हैं रूम चलते हैं। गए भी तो बहुत दूर ना, बाइक छोड़ के भी तो आ भी नहीं सकते ना, अगर सामने से बाइक लेके चले आते इतना दूर आना फिर वापस जाना तो बेकार, एक्स्ट्रा हेडेक है वो सब, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। जाने में भी असल बात हम लोगों ने लेट कर दिया ना, 11 बजे हम लोग निकले यहाँ से, 11 बजे के अगर पहले निकलते तो हो सकता था, मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता, देख ही नहीं रहे, आके चला के चढ़ा दिया ऊपर। पासिंग मारा तब जाके उसने साइड से, नहीं तो इसी साइड से मतलब रॉन्ग साइड से ही चला चलते चला आ रहा है। तो अभी रूम के तरफ ही आगे जा रहे हैं, तो अभी तो जंगल वाला रास्ता ही फिर से वापस से पड़ेगा, तो ये को दिखा के फायदा नहीं है, तो डायरेक्ट चलिए रूम के वहीं पे मिलते हैं।